दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर फैन है Xiaomi के तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब यहाँ पर MI की तरफ से एक न्यू स्मार्टफोन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसकी यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर Xiaomi की न्यू सीरीज के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर MI CC9E यानी कि MI CC9E। ये बिल्कुल एक बेकार सा नाम है, पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास वाली नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा आपने इस पर क्लिक कर लेना। साथ ही दोस्तों आजकल आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे तो आपने इस वीडियो को अभी कभी लाइक और शेयर कर देना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर MI की तरफ से आने वाली न्यू सीरीज MI CC9E के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर एक न्यू सीरीज आ जाएगी जो बेस्ड रहने वाली यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के ऊपर, यानी कि यहाँ पर अभी आपको 710, 712, 730, 730G वगैरह के प्रोसेसर ही देखने को मिलेंगे ये वाली सीरीज में। अगर बात की जाए यहाँ पर जो एक स्पेसिफिकेशन हुई है इस डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले मिलने वाली आपको 6.39 इंच की एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आएगी यहाँ पर नोच के साथ में, जो नोच के अंदर यहाँ पर फिट होगा आपका कैमरा। अगर बात ही अगर हम कर रहे हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला, जिसका जो प्राइमरी सेंसर होगा वो होगा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर रहने वाला 13 मेगापिक्सल का जो होगा यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर, इसके बाद में थर्ड सेंसर रहने वाला यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का जो होगा यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर। अगर इसके बाद में बात की जाए यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है जो यहाँ पर फिट होगा नोच के अंदर ही। और इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में, दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट डिवाइस आने वाला है यहाँ पर MI CC9E, ये यहाँ पर बेस्ड हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 या फिर 712 पर, इन दोनों में से एक पर रहने वाला है। उसके बाद में अगर बात की यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी फिलहाल इसमें बताई जा रही है कि 3300 mAh रहने वाली है, लेकिन भैया अगर ये डिवाइस इंडिया में आएगा तो यहाँ पर आपको 3500 से 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर बैटरी की बहुत ही बड़ी डिमांड होती है। इसके बाद में जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है वो आपका बैक साइड में ही होगा। इसके बाद में अगर बात की जाए इसके अन्य फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको USB Type-C देखने मिलने वाला, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर मिलने वाला है आपको IR Blaster। तो यहाँ पर ये डिवाइस सपोर्ट करने वाला 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को। तो फिलहाल तो यहाँ पर यही न्यूज़ निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि ये जो डिवाइस होगा ये आने वाले लगभग 2 महीने के अंदर लॉन्च कर जाएगा, और जो इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है वो केवल 13,999 या फिर 14,000 के करीब से रहने वाला है। तो फिलहाल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर MI CC9E के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।